भारत की पारी 266 रनों पर सिमटी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने खेली दमदार पारी। तो क्या पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका भारतीय टीम को लगा था। उन्होंने अपनी पारी में 22 गेंद में 11 रन बनाकर शाहीन अफरीदी गेंद पर बोल्ड हो गए थे। इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके, वो 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वही इनके बाद सैयद अय्यर अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने 9 गेंद खेलकर 14 रन बना ही सके और पॉइंट लौट गए। तो वही दूसरी छोर से सुमन गिल ने 32 गेंद खेलकर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच में 5वें विकेट के लिए 141 गेंद में 138 रन की सरदारी हुई थी, जहां पर ईशान किशन ने 81 गेंद में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 82 रन बनाए। तो इनके अलावा हार्दिक पांड्या 90 गेंद में 87 रन बनाकर आउट हो गए थे। इनके बाद रविंद्र जडेजा ने 22 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अंत में जसप्रीत बुमराह ने 14 गेंद में 16 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज दहाई का पार नहीं कर पाया था। इस तरह भारतीय टीम ने निर्धारित 48 और 5 गेंद में 10 विकेट खोकर 266 रन बनाए। तो इस मैच की कौन सी टीम जीतेगी आपको मेरे से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।